हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पीपल एंड एनवायरनमेंट का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक प्रकार का रिवीजन वीडियो है जिसमें मैं आपको टॉप 25 एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग नेट के एग्ज़ाम्स के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। और मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलते रहें। तो पीपल एंड एनवायरनमेंट के बाद जो वीडियो लाई जाएगी वो कंबाइंड वीडियो होगी, जिसमें मैं टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशंस और एनवायरनमेंट, इन सभी के जो क्वेश्चन हैं वो मिक्स करके एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। ठीक है, परिभाषित किया गया है हमसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्थर टांसले ने। ठीक है, आर्थर टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है वो परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व है जिसने वर्ष 1866 में पारिस्थितिकी को सबसे पहले उपयोग एवं परिभाषित किया। याद रखें, ये पारिस्थितिकी तंत्र से अलग है, इसमें सिर्फ पारिस्थितिकी की बात की जा रही है। तो इस शब्द को सबसे पहले इस्तेमाल किया था हैकल ने, याद रखें। अगर आपसे पूछता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, तो आपका आंसर हमारे पहले वाले क्वेश्चन का है, जैसे कि आर्थर ट्रांसले। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछता है सिर्फ पारिस्थितिकी शब्द किसने इस्तेमाल किया, तो आपका आंसर होगा हैकल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो कथन दे रखा है वो है, पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है। ठीक है, ये सही है कथन। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि पर्यावरण के घटक सदैव स्थिर होते हैं। बिल्कुल गलत है ये। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक, यानी पहला कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक वास का क्या अर्थ होता है। ठीक है, प्राकृतिक वास, तो मैं बता दूं, प्राकृतिक वास जो है वो एक ऐसी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक ऐसी विशेष क्षेत्र जिसमें पौधे और जानवर भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं प्राकृतिक वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बायोम एक स्वाभाविक समुदाय है। किसका स्वाभाविक समुदाय है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भौगोलिक क्षेत्र में पौधों और पशुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम पृथ्वी पर विद्यमान सभी पारिस्थितिकी तंत्र का संयोजन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है बायोस्फीयर, याद रखें, बायोस्फीयर कहा जाता है इसे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा किस से उत्पन्न होती है। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन जो होती है उसमें ऊर्जा किस से उत्पन्न होती है, जो एनर्जी है वो कहाँ से उत्पन्न होती है हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है कथन दे रखे हैं, युग्म दे रखे हैं, जैसे कि बायोम जो है वो जैविक और अजैविक पर्यावरण है। ठीक है, तो हमारा ये जो है, ये जो युग्म है वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, अजैविक पर्यावरण में आता है स्थल, जल, वायु आदि, तो ये भी हमारा सही है। तीसरा युग्म जो है वो कह रहा है कि जैविक पर्यावरण में पादप, मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम वातावरण, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर
सी जो है वो सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जीव मंडल में शामिल किया गया है? जीव मंडल में शामिल किया गया है तो वो है जल मंडल, क्योंकि जल में जो है मछलियां होती, कई सारे जीव होते हैं जल के अंदर इस कारण। नेक्स्ट है, विभिन्न पौष्टिकता स्तर पर दो या दो से अधिक प्रकार की खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग को क्या कहा जाता है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खाद्य वेब, खाद्य जाल भी जिसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों की श्रृंखला के माध्यम से एक पौष्टिकता स्तर से दूसरे स्तर तक खाद्य ऊर्जा के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है खाद्य श्रृंखला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो कथन असत्य है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, जबकि ये जितना भी ऊपर कथन दिए गए हैं ये सत्य हैं, जैसे कि हरे पौधे अपने मृतक अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। दूसरा कथन ये कहता है कि जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है, ये भी सही है। और तीसरा कहता है कि जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई नहीं है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपघटित जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ठीक है, तो ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवनीतिवाद अवधारणा। तीनों ही अवधारणा मैंने आपको बताई थी, नीतिवाद, संभावनावाद और नवनीतिवाद, ठीक है। तो अगर आपने हमारे पर्यावरण वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लें, जिसमें मैंने बताया था कि जो मनुष्य है, मनुष्य के नियंत्रण में सभी पर्यावरण हैं, और मनुष्य चाहे जब भी पर्यावरण में जो है बदलाव कर सकता है, ठीक है। और फिर मैंने जो संभावनावादी अवधारणा है उसमें बताया था कि किस तरीके से जो पर्यावरण है उसके नियंत्रण में मनुष्य है, और पर्यावरण जब चाहे मनुष्य को कुछ भी करा सकता है, ठीक है। तो ऐसी विचारधारा मैंने बताई थी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, 12th क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 के नाम से वीडियो होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे खाद्य श्रृंखला में निर्माता के रूप में माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषी पौधों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष रूप से जीवन जीने के लिए उत्पादों पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी। नेक्स्ट है, वह जानवर जो केवल अन्य जानवरों को खाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की मदद से स्वयं का भोजन तैयार कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है स्वपोषक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, दो परितंत्रों के मध्य के संक्रमक क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है इकोटॉन। नेक्स्ट है, दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बिल्कुल वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस घुमा दिया है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप में आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 कड़ियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर वातावरण के अस्तित्व का क्या कारण है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है, हमें मिलान करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं बता दूं, क्षोभ मंडल हमारी जो वायुमंडल की परत है, सबसे निचली परत होती है और सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, याद रखें आप, ठीक है। हमारे वायुमंडल की पहली परत क्षोभ मंडल, और यहाँ पाए जाते हैं धूल के कण। समताप मंडल में ही ओजोन गैस पाई जाती है जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। आयन मंडल में ही उल्का पाए जाते हैं और बाह्य मंडल में ही ओरोरा पाए जाते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले का ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सभी प्रकार की खाद्य श्रृंखला के लिए आधार है? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। सो ये तो था हमारा वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किए 25 पीपल एंड एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जा कर के हर टॉपिक पर वीडियोज़ देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।